अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ द स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। तो इसके लिए ये है कि चूँकि आपको बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, हम इसका इक्वेशन अप्लाई करते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो सिंस ये हमें उन्होंने पहले बता दिया है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, अगर पोटेंशियल मतलब यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट बताया गया, कांस्टेंट का मतलब है देयर इज़ नो चेंज, यानी डेल्टा ज़ीरो है। तो जब हम डेल्टा वी ज़ीरो करते हैं तो ई इज़ इक्वल टू माइनस ज़ीरो ओवर डेल्टा आर, तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तुझे क्या तकलीफ है? सपोज दैट यू हैव यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इसमें यह है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो अगर ई की वैल्यू देखें ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो वो होती है ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे यू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज, व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज देन आर इज़ इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सेकेंड बात उन्होंने पोटेंशियल की पूछी थी, तो पोटेंशियल जो होता है वो V इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर R होता है, तो जैसे जैसे R की वैल्यू उसमें भी इंक्रीज करेगी इसके साथ पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगी। E के लिए पोटेंशियल E के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और V जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों केसेस में वैल्यू जो है वो डिक्रीज ही होती है जैसे जैसे R इंक्रीज होता है। तुझे कब बोलना नहीं तो आवाज़ बीच में जाती है।